राज्यपाल राम नाईक ने निजी अस्पताल का उद्घाटन करने मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने लोकायुक्त मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोकायुक्त की फाइल जब उनके पास आई थी तो उन्होंने उसे वापस कर दिया था और अब सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित किया है, लेकिन अभी तक विधेयक उनके पास नहीं पहुँचा है। महराजगंज जिले में एसएसबी का पहला बॉर्डर आउटपोस्ट जोगिया बारी का उद्घाटन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। यही नहीं, एसएसबी प्रथम बटालियन महराजगंज हेडक्वार्टर की आधारशिला भी रखी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने न सिर्फ एसएसबी जवानों की हौसला अफजाई की बल्कि आवाम से लोक लुभावनी बातें भी की। बॉर्डर आउटपोस्ट जोगिया बारी के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने एसएसबी जवानों के साथ भोजन भी किया। मुजफ्फरनगर पहुंचे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रोड का नाम रखने पर सराहना की है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब रोड ही नहीं, जितने भी विदेशी आक्रांताओं के नाम पर दिल्ली और देश में रोड है उनके भी नाम बदल कर देशभक्तों के नाम पर रखने चाहिए। साथ ही उन्होंने जनगणना आंकड़ों को खतरनाक बताते हुए कहा कि अगर इसी तरह हिंदुओं की दर कम होती रही तो अगले 80 साल में हिंदुओं का नामो निशान नहीं रहेगा। बागपत जनपद के एक दलित परिवार के जरिए खाप पंचायत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पहली बार पीड़ित दलित परिवार मीडिया से रूबरू हुआ। दलित परिवार ने खुद को खाप पंचायत से जान को खतरा बताया है। वहीं परिवार के पक्ष में बीएसपी मैदान में उतर आई है। बीएसपी ने साफ कहा है कि अगर पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है तो सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं इस मामले में सीएम के संज्ञान लेने के बाद बागपत पुलिस गाँव में सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है। खाप पंचायत ने गांव की ही 2 दलित बहनों को बलात्कार कर निर्वस्त्र घुमाने का फरमान सुनाया है और ये फरमान उन्हें इसलिए सुनाया क्योंकि उनका भाई रवि का गांव की जाट बिरादरी की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते दोनों गांव से कई बार फरार हो गए। अक्सर अपने बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक शाकिर अली ने हद ही पार कर दी। शाकिर अली ने देवरिया में पुलिस चौकी फूंके जाने के प्रकरण पर महिलाओं को लेकर महाशर्मनाक बयान दे डाला। देवरिया के मार्ग दुर्घटना में 2 युवक घायल हो गए थे और इसकी कार्रवाई से क्षुब्ध होकर रामपुर दुबे गांव के ग्रामीणों ने शुक्रवार को मंडुआडीह पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। इस मामले में पुलिस ने गांव के 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर धरपकड़ की कार्रवाई शुरू की। समाजवादी पार्टी के विधायक बैजनाथ पासवान ने अजीब बयान दिया है। विधायक ने मऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब कोई गरीब नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि हम कब तक गरीबों का रोना रोएंगे, अगर यही करते रहे तो विकास कब होगा। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को दिक्कत थी लेकिन आज हर आदमी के पास पैसे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष सनील कुमार वर्मा ने विवादित बयान दिया है और चयन बोर्ड के अध्यक्ष को राजनीतिक बना दिया। सनील कुमार वर्मा ने एटा के राजकीय इंटर कॉलेज में एक स्वागत समारोह में खुले मंच से कह दिया कि ये अध्यक्ष पद अवंती बाई वंशजों को यदुवंशियों ने सौंपा है। मंच से सनील कुमार ने कहा कि मैं यदुवंशियों को वचन देता हूं कि उनकी शान आन और स्वाभिमान को कभी नीचे नहीं होने दूंगा। यही नहीं, उन्होंने मंच से ये भी कहा कि इस पद पर एक पत्थर की तरह तराश कर उनको लाने का काम एसपी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने किया है। साथ ही उन्होंने इस नियुक्ति के लिए मंच से ही रामगोपाल यादव को सलाम भी किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सीएम ने मुलाकात के दौरान हमको चयन बोर्ड में भेजने की बात कही थी। अब इस बयान के बाद आगामी 15 सितंबर से होने जा रहे हाईस्कूल और इंटर स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साक्षात्कार में निष्पक्षता को लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। बलरामपुर में राप्ती नदी में 3 बच्चों की डूबने से यहां पर हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर ग्रामीण राप्ती घाट पहुंचे, बच्चों की तलाश में जुट गए लेकिन बच्चे नहीं मिले। सूचना मिलने पर नगर कोतवाली पुलिस भी यहां पहुंची लेकिन पुलिस यहां पर तमाशबीन ही बनी रही क्योंकि पुलिस के पास कोई साधन नहीं थे। डूबने वाले बच्चों की उम्र 14 से 16 साल के बीच बताई जा रही है। घाट पर बच्चों की साइकिल, चप्पल और कपड़े बरामद। कानपुर देहात की मूसानगर थाना क्षेत्र के चपरघटा में बेकाबू ट्रक मौत बनकर सड़क पर दौड़ा। ट्रक की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। कोयले से लदे ट्रक ने पहले एक बाइक को पीछे से टक्कर मारी जिसमें बाइक सवार 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। टक्कर मारने के बाद ट्रक पलट गया जिसकी चपेट में बगल में जा रहे 2 और लोग आ गए और दोनों की मौत हो गई। ट्रक चालक मौका पाकर फरार हो गया जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर आगे जांच शुरू कर दी।
मुजफ्फरनगर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं की गुंडई देखने को मिली। कैटर्स के ऑफिस में प्रेमी युगल को पकड़कर प्रेमी की शिव सैनिकों ने पिटाई कर दी। प्रेमी युगल दया की भीख मांगता रहा, लेकिन शिव सैनिकों ने युवक को तब तक पीटा जब तक पुलिस नहीं आ गई। पुलिस के आने के बाद भी युवक को लात घूंसते पड़ते रहे, लेकिन पुलिस ने प्रेमी युगल को किसी तरह वहां से बचाकर नई मंडी कोतवा ली। धन प्राप्ति के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता है, इसी की बांगी देखने को मिली मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र के डींग अड्डा में। तंत्र विद्या के जरिए गड़ा धन प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने अपने घर में ही खुदाई कराई। पड़ोसियों के विरोध करने पर जमकर विवाद हुआ, मारपीट हुई, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि 7 फीट की खुदाई करने के बाद भी गड़ा धन नहीं मिला। वहीं हंगामे के दौरान तंत्र विद्या करने वाला भी मौके से फरार हो गया। बरेली में युवती से छेड़छाड़ करने एक युवक को महंगा पड़ा। घटना इज्जत नगर की संजय नगर कॉलोनी की है, जहां रक्षाबंधन के दिन शौच करने गई युवती को उसके मौसेरे भाई ने पकड़ लिया। युवती के शोर मचाने पर उसका भाई वहां आ गया और दरिंदे को लाठी से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने हत्या करने के आरोप में संतराम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक राजीव के परिजनों का कहना है कि संतराम की बहन से उसका प्रेम संबंध था। इस दौरान वो एक दूसरे से चोरी छिपे मिला करते थे, लेकिन युवती के परिजनों को ये प्रेम संबंध मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से ये हत्या की गई है। पीलीभीत में मामूली कहासुनी में एक रिटायर्ड दरोगा के दबंग बेटे ने एक युवक को गोली मार दी। मामला बिलसंडा इलाके का है, जहां गोली लगने से जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मदन मोहन कॉलोनी में रहने वाले प्रमोद का अपने पड़ोसी दिनेश से किसी बात को लेकर यहां विवाद चल रहा था। इसके बाद रिटायर्ड दरोगा के बेटे ने दिनेश ने तमंचा निकालकर प्रमोद को गोली मार दी और फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बाद में उसे गिरफ्तार भी कर लिया। मुरादाबाद में समाचार प्लस की खबर के बाद पुलिस प्रशासन चाइनीज मांझे को लेकर सक्रिय हो गया है। 5 साल के बच्चे की मौत के बाद समाचार प्लस ने चीनी मांझे से हो रही मौतों पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद मुरादाबाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है और चीनी मांझे बेचने वाली दुकानों पर छापेमारी की है। घरों में भी जाकर मांझे जब्त किए हैं। वहीं लोगों ने भी चीनी मांझे को यहां जामा मस्जिद चौराहे पर रखकर आग के हवाले कर दिया। कटघर के सीओ ओपी आर्य ने कहा कि चीनी मांझा बेचने वाले कुछ लोग फरार हो गए हैं, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अम्बेडकर नगर के माणिकपुर बसीरहा गांव में आबादी की जमीन पर कब्जा कराने गए पुलिस अधिकारियों और ग्रामीणों में जमकर संघर्ष हुआ। दोनों तरफ से हुए पथराव में 2 पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को आग के हवाले कर दिया। मौके पर उपद्रव देखकर कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी को तैनात कर दिया गया। आबादी की जमीन पर गांव के ही 2 पक्ष अपना अपना अधिकार बता रहे हैं, जिसको लेकर विवाद चल रहा था। इसी जमीन पर एक पक्ष को कब्जा दिलाने सदर एसडीएम भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे थे, जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया और मामला बढ़ने पर पुलिस और दूसरे पक्ष के बीच यहां पथराव हो गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव मऊ के दौरे पर हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जय बहादुर सिंह और झारखंड ने राय की प्रतिमा का अनावरण किया और जनसभा को संबोधित के साथ कई सारी योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है, लेकिन जमकर हुई बारिश ने पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। बारिश से पूरा पंडाल परिसर पानी से डूब गया है। वाटरप्रूफ पंडाल में पानी आने से अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं। वहीं एसपी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा है कि बारिश के चलते पानी भर गया है, लेकिन कल तक पूरी व्यवस्था सही कर ली जाएगी। झांसी के बुंदेलखंड महाविद्यालय में पिछले 4 दशकों से चल रहे एमएससी मैथ पाठ्यक्रम में नए प्रवेश पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने रोक लगा दी है। विश्वविद्यालय ने पत्र लिखकर संचालित हो रहे पाठ्यक्रम को अवैध और विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ बताया है। विश्वविद्यालय के ताजा निर्णय ने खुद उसकी ही भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि महाविद्यालय के विद्यार्थियों के एमएससी की डिग्री खुद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जारी करता है और उसकी प्रवेश प्रक्रिया भी निगरानी वही करता है। इस मामले में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बाबूलाल तिवारी का कहना है कि विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अखिलेश चंद्र का कहना है कि अगर कॉलेज आवेदन करेगा तो उसकी मान्यता पर विचार किया जाएगा। मऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आगामी दौरे को लेकर जिलाधिकारी पहुंचे तो थे, लेकिन अधिकारियों को निर्देश देने के बजाय वहां अधिकारी बीत की छपकी लेते नजर आए। 31 अगस्त को 11 बजे एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कलेक्ट्रेट में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आज साथ ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जय बहादुर सिंह और झारखंड राय की प्रतिमा का अनावरण भी करने वाले हैं। तो इन्हीं तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी और एसपी ने यहां गैर जनपद से आए अधिकारियों की बैठक यहां पर ली थी, उनकी मीटिंग ली थी, लेकिन अधिकारी यहां पर सोते नजर आए।
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पंचायत चुनाव से पहले धर्म परिवर्तन का जिन्न बोतल से बाहर निकल आया है। मामला कासगंज जनपद का है, जहां धनगर समाज के 130 लोगों ने अपने समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर की अगुवाई ईसाई धर्म में शामिल हो गए हैं। दरअसल धनगर समाज को नेशनल कमीशन के आधार पर 24 अक्टूबर 2013 को स्टेट सरकार ने अनुसूचित जाति में शामिल करने का शासनादेश जारी किया था। इसके बावजूद भी इनको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, जिससे नाराज होकर इन्होंने धर्म परिवर्तन ही कर लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि धर्म परिवर्तन का एक कार्यक्रम एक घंटे तक जिलाधिकारी कार्यालय के सामने चलता रहा, लेकिन जिला प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। इतना ही, धनगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर का कहना है कि कासगंज में अगर प्रमाण पत्र नहीं दिए गए तो हम लाखों की संख्या में ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे और ये अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा। कानपुर में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक परिवार की रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदल गई। पनकी इलाके के रतनपुर कॉलोनी में रहने वाला सूर्य प्रताप बिजली विभाग के लिए प्राइवेट काम करता था। बिजली विभाग की कॉल उसके लिए काल का सबब बन गई। काल यहां फॉल्ट ठीक करते समय उसे यहां पर रतनपुर सब स्टेशन के SHO ज्ञानेंद्र से शट डाउन लेने के लिए कहा तो उससे बिजली आपूर्ति रोकने की बात तो कही, लेकिन बिजली आपूर्ति रोकी नहीं गई, जिससे सूर्य प्रताप पोल पर करंट से चिपक गया और उसकी मौत हो गई।